हिंदुस्तान की हार पर बीसीसीआई किसे किसे मान रहा है जिम्मेदार, अभी चेतन शर्मा को कह दिया अलविदा। पूरी चयन कमेटी की हो गई छुट्टी, अब खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई दिखाएगा घर का रास्ता। विश्व कप में हारे नहीं नाक कटाया, कोच खिलाड़ियों सहित चयन समिति पर भी फूटा बीसीसीआई का गुस्सा। हार के जिम्मेदार नहीं है सिर्फ 11 खिलाड़ी, बीसीसीआई ने अपने एक्शन से बताया कौन कौन है हिंदुस्तान के हार का भागीदार। टी20 विश्व कप में मिली करारी हार पर चुप नहीं बैठेगा बीसीसीआई। बीसीसीआई ने बताया, बहुत हुई मुफ्त की लाखों सैलरी, अब नहीं आएगा भारत में आईसीसी ट्रॉफी, तो ऐसे ही होगी एक के बाद एक छुट्टी। सिर्फ हारते तो फिर भी बच जाती कईयों की गद्दी, पर यहाँ हारे कहाँ थे, यहाँ तो टीम लौटी थी नाक कटाकर। कैसी टीम बनाया, कैसा खिलाड़ियों को खिलाया, जो हारे भी ऐसे ही बेइज्जती कराया। आईसीसी में बीसीसीआई की अपनी धाक चलती है और उनकी अपनी ही टीम ऐसा प्रदर्शन करे तो एक्शन रिएक्शन भी जरूरी है। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का बराबर रिएक्शन भी आएगा। एक्शन टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर दिखाया, अब बीसीसीआई ने रिएक्शन दिखाना शुरू किया। विश्व कप से ठीक लौटते ही राहुल द्रविड़ आराम पर चले गए, जिसके बाद आए बीबीएस लक्ष्मण। अब बीसीसीआई ने पूरी की पूरी चयन समिति को ही बर्खास्त कर दिया। अभी खिलाड़ियों का नंबर भी आया है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में बीसीसीआई प्लेयर्स पर भी रिएक्शन देने लगे। फिलहाल ये समझिए चयन समिति की बर्खास्तगी के बाद क्या होने वाला है, क्या बीसीसीआई खुद नई कमेटी तैयार करेगा या मिलेगा हकदार को मौका। टीम लगातार खराब प्रदर्शन करे तो चयन समिति पर सवाल उठना लाजमी है, तभी चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी को छुट्टी दे दी गई। बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया, सीनियर पुरुषों की चयन समिति को बर्खास्त कर दिया गया है और नई समिति बनाने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन, वो आगे की खबर में बताएंगे। पहले ये जानिए इस चयन समिति के साथ ऐसा क्यों हुआ। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति को दिसंबर 2020 में नियुक्त किया गया था। इसमें देवाशीष मोहंत, सुशील जोशी और हरविंदर सिंह शामिल थे। इस चयन समिति पर इल्जाम लग रहा था, ये बार बार वैसे खिलाड़ियों का चयन कर रही है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। फिर टीम भी बीते दो साल से निराश ही करती रही। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारे, 2021 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, एशिया कप में खराब प्रदर्शन, फिर इस साल ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप से बाहर हुए। ये बड़ी वजह है चेतन शर्मा की अगुवाई वाली कमेटी को बर्खास्त करने का। वही कोहली से लड़ाई और द्रविड़ से कहा सुनी भी एक वजह मानी जा रही है। 2021 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद समिति ने कोहली पर कप्तानी छोड़ने का दबाव बनाया। हालांकि उन्होंने वनडे और टेस्ट में कप्तान बने रहने की इच्छा जताई, लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से पहले उसने वनडे की कैप्टनसी छीनी गई, बाद में कोहली ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। खैर, ये हुई चयन समिति को बर्खास्त करने के संभावित कारणों की चर्चा। अब जानिए बीसीसीआई ने नई समिति के लिए क्या मापदंड रखा है। बीसीसीआई ने आवेदन के लिए मापदंड की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय चयनकर्ता वरिष्ठ पुरुष के लिए 5 पद खाली है। आवेदन करने वाले व्यक्ति ने कम से कम 60 टेस्ट मैच या 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले हो, साथ ही उसने कम से कम 5 साल पहले खेल से संन्यास ले लिया हो। कोई भी व्यक्ति जो कुल 5 वर्षों के लिए किसी भी क्रिकेट समिति का सदस्य रहा है, वो पुरुषों की चयन समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदन 28 नवंबर 2022 को शाम 6 बजे तक जमा किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज़।